उधर हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जनता से किए गए वादे पूरे होंगे। न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि कुछ वादे कैबिनेट की पहली बैठक में और कुछ वादे बाद में पूरे किए जाएंगे। उन्होंने कांग्रेस पर लगे परिवारवाद के आरोपों को भी नकार दिया। पर इस वक्त एक्सक्लूसिव हिमाचल के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू मौजूद हैं। सुक्खू जी, दो दिन में दुनिया बहुत बदल गई है, आपके लिए क्या कहना चाहेंगे? दुनिया तो वैसी है, जीवन के कुछ चीजें बदल गई। अब इस बात पे है कि कैबिनेट में कौन कौन से चेहरे होंगे, तो कब तक फाइनल हो जाएगा हिमाचल की कैबिनेट? ये राजीव शुक्ला जी ही बता सकते हैं कि कब तक कैबिनेट फाइनल हो जाएगी। कुछ नए चेहरे, कुछ यंग चेहरे भी देखने को मिलेंगे? देखिए, हिमाचल प्रदेश में बहुत पढ़े लिखे युवा साथी कांग्रेस पार्टी में जीत कर आए हैं, नए चेहरे भी। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। मिलेंगे बुजुर्गों का अनुभव भी मिलेगा, सभी लोगों को हम बुलाएंगे। मिलती है तो बड़ी चुनौतियां भी सामने आती हैं। 40 सीटें जनता ने आपको दी है, लेकिन ओपीएस एक बड़ा मुद्दा बनके उभरा और आपके जो स्टार प्रचारक थे उन्होंने कहा कि पहली कैबिनेट में ओपीएस पे फैसला लिया जाएगा। क्या पहली कैबिनेट में हम मान के चले कि इस पे कुछ काम होगा? मैं ये कह सकता हूँ, जो भी हमने 10 गारंटी योजनाएं दी है उसको सभी को लागू किया जाएगा। कुछ पहली कैबिनेट में होगी, कुछ आने वाले समय में होगी। ये सब बातें जब होगी तो हम आपको इसके बारे में जरूर बताएंगे।